पैक ला पहला आज 2200 रोटियां। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों आज मैं और अनिल जा रहे हैं शादी में, गांव में शादी है, इस सीजन की पहली शादी, और हम जा रहे हैं अभी चावल कोटने के लिए, जिससे हमारे पहाड़ में आरसी बनाते हैं। दोस्तों अपने हिस्से के चावल मैंने कूट दिए हैं, अब हम रोटी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। शाम को जिन लोगों ने भी यहाँ पे चावल कूटे हैं, सबके लिए शाम का खाना होता है, तो हम यहाँ पे रोटी का इंतजाम करेंगे उनके लिए। मैं और गौतम रोटी का चूल्हा लगा रहे हैं, हमारे यहाँ इस प्रकार से चूल्हा लगाते हैं, तो यहाँ पर रोटियों की अभी तैयारी चलेगी, रोटियाँ बनेंगी, शाम की रोटी, मवारी रोटी। यहाँ पर लड़के टेबल ला रहे हैं रोटी बनाने के लिए, पंचायती टेबल। चंदू भाई और अनिल यहाँ पे रोटी बनाने के लिए टेबल ला रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने चूल्हा भी लगा दिया है और अब बढ़ाएंगे चूल्हे में रोटियाँ। ये हैं बड़े बड़े तवा जिसमें हमारे यहाँ पे रोटियाँ बनती हैं, पंचायती तवे। दोस्तों लच्छू और विकास ने फर्स्ट क्लास आटा गूंद दिया है। कितने पाते थे? 10 पाते रख दिए हैं हमने तवे चूल्हे में, इनको फिर आधे घंटे तक गर्म करने के लिए से छोड़ देंगे चूल्हे में। फिर जब गर्म हो जाएंगे फिर इनमें हम गर्मा गर्म पहाड़ी चपाती बनाएंगे, राठी चपाती, और यहाँ पे बेलेंगे। और आज जो बेलेंगे यहाँ पे अर्जुन सिंह और देव सिंह। दोस्तों रोटी की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। और चंदू लेके आ गए हैं हरी रिंगाल, इसे हम रोटियां पलटाते हैं तवे से, अभी इनको बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ रोटी पलटाने के लिए रिंगाल सीकें बनाई जाती हैं, छड़ बोलते हैं जिसे, और यहाँ पे हम रिंगाल से बनाते हैं छड़ों को। ये धीरे धीरे छड़ बन रही है रिंगाल की, और ये फाइनली हमारी छड़ बन चुकी है। इस आगे की तरफ से इसको नुकीला करना पड़ता है, और ये बन गई हमारी छड़। और इस प्रकार से हमारे यहाँ इन छड़ों से रोटियों को पलटाने का काम होता है। तिलो भाई नमस्कार, भाई नमस्कार, नमस्कार, और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। तिलो भाई चाय पे लगे हुए हैं, तिलो भाई और रोनू भाई ठीक ठाक? नमस्कार।
दोस्तों यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं, शाम के 4 बज गए हैं और अभी तक हम लगभग 400 रोटियाँ बना चुके हैं। आज का जो टारगेट है 1500 रोटी बनाने का है। इस प्रकार से रोटियाँ हमारे यहाँ पे बनती हैं। दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ शादी में नाश्ता बनाने के लिए। गांव में शादी है तो जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। अभी आटा निकालेंगे कारवारी कमरे से और आज हम लगाएंगे सबसे पहले 4 पाथा आटा। दोस्तों मेहमानों को खिला करके और नाश्ता करके मैं अब घर की तरफ आ रहा हूँ, फिर अपनी ड्यूटी पे जाना है थोड़ा सा 2-3 घंटे। दोस्तों आज फिर दूसरे दिन की रोटियाँ यहाँ पे बननी शुरू हो गई हैं। दोस्तों ये इतनी रोटियां बना रखी, एक कंडी ये है, आधी कंडी ये है, एक कंडी उधर चली गई, 3 कंडियां रोटी बना रखी हमने। आज 2200 रोटियां जो कि मेहमानों को और पूरे गांव में और परोसा जाएगा। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।